वेलकम टू विज्ञान तक फ्रेंड्स। यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, अध्याय नंबर है 22 और इस चैप्टर का मैं आज चौथा पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा थाइमस ग्रंथि के बारे में। मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है, उन तीनों वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन पे उन तीनों वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना है। अब देखिए थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, तो थाइमस ग्रंथि होती है आपकी जो उदर पक्ष है यानी पेट से थोड़ा ऊपर और जो आगे की उरस्थी है छाती है उसके पीछे पीछे की ओर, और जो फेफड़ा होता है ना उन दोनों फेफड़ों के बीच, मतलब जैसे सांस लेते हैं उनके बीच एक संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, तो देखिए होंगे बच्चों की प्रतिरक्षा तंत्र अधिक होती है, मतलब जो बच्चे होते हैं कम उम्र के लोग होते हैं उनकी प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो वृद्ध लोग होते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर हो जाता है या फिर कभी कभी तो समाप्त भी हो जाता है लगभग। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों में जो थाइमस ग्रंथि है वो ज्यादा विकसित होती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब देखिए जो थाइमस ग्रंथि है वह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो यह हार्मोन स्रावित करती है थाइमोसिन, ठीक है थाइमोसिन। अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। ये लिखा है जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और जो टी लिम्फोसाइट है वह कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में मुख्य रूप से दो तरह की कोशिकाएं होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट, दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट है ना वह बोन मैरो से बनने के बाद थाइमस में आती है और थाइमस में आकर के उनका विभेदीकरण होता है, वह विकसित होती है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। इसके अलावा जो थाइमोसिन हार्मोन है यह क्या करता है, तरल प्रतिरक्षा के लिए भी प्रतिजैविकों का उत्पादन करता है। एक सेकेंड यहाँ पे सॉरी, ये प्रतिजैविक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिरक्षी होना चाहिए, ठीक है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है तो प्रतिरक्षी होना चाहिए। थाइमोसिन क्या होता है, जो थाइमोसिन होता है वह तरल प्रतिरक्षा के लिए भी क्या करता है, प्रतिरक्षी के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है, इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों की प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे थाइमस में क्या होता है, अपघटन होने लगता है, यानी थाइमस छोटा होने लगता है। इसलिए इससे जो जिसे जो स्रावित होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन उसका स्राव कम होता है, और उस हार्मोन के कम स्रावित होने से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगती है, ठीक है। अब देखिए अगली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। चित्र 22.4। तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है ना, जो वास्तव में ये नर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है तो नर में जो वृक्क होता है, सॉरी नर नहीं, नर प्लस मादा दोनों की बात हो रही है, मैं मिस्टेक कर गया, ठीक है नर और मादा दोनों की बात हो रही है। तो जो नर हो या मादा हो उनके वृक्क, वृक्क मतलब क्या, किडनी, किडनी के ऊपर एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि क्यों,
क्योंकि वृक्क के ऊपर अधिवृक्क होता है और अधिवृक्क के ऊपर ये ग्रंथियां पाई जाती है, दोनों तरफ एक एक। मानव में दो वृक्क होते हैं, दो अधिवृक्क होते हैं, और उन दोनों अधिवृक्कों में ही ये ग्रंथियां पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि ही है। ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है, ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहर की ओर ऊतक अधिवृंश वल्कुट कहलाता है। तो जो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है ना, यह दो तरह के ऊतकों से बनती है, पहला है अधिवृक्क मध्यांश और दूसरा है अधिवृक्क वल्कुट। आप इस चित्र में देखिए, देखिए ये वाली जो संरचना है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाली जो संरचना है यहां से लेकर के ये वाली संरचना है वो ब्रिक कहलाती है पूरा, ठीक है। और ब्रिक के ऊपर ये टोपी नुमा संरचना आप देख रहे हैं, यही है अधिब्रिक ग्रंथि, ठीक है। ये क्या है? अधिब्रिक ग्रंथि। और जो अधिब्रिक ग्रंथि है वह दो तरह के ऊतकों से बनी है। इस अधिब्रिक ग्रंथि को आप जूम करके देखिएगा तो इसमें दो तरह के ऊतक दिखेंगे। एक तो ये है जो पीले कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है अधिवृक्क वल्कुट, और दूसरे जो बीच वाले ऊतक हैं ये वाले, ये कहलाते हैं अधिवृक्क मध्यांश। चलिए, अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रिनलिन या एपी नेफ्रीन या नॉर एंड्रिलिन या नॉर एपी नेफ्रीन कहते हैं। अब देखिए इसके जो हार्मोन है ना, दो हार्मोन, उन्हीं के कई सारे नाम हैं, कई सारे नहीं, दो नाम है वास्तव में। जो एड्रिलिन है, एड्रिनलिन है, जो एड्रिनलिन है उसको एक और नाम से जानते हैं, एपी नेफ्रिन, ठीक है। जो एड्रिनलिन है उसी को जानते हैं एपी नेफ्रिन के नाम से, और जो नॉर एड्रिन लीन है उसको जानते हैं नॉर एपी नेफ्रिन के नाम से, ठीक है। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकॉलमिनस कहते हैं, ठीक है, कैटेकॉलमिनस कहते हैं। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपात स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण से ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो अधिवृक्क के मध्यांश भाग से जो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दोनों हार्मोन कब तेजी से स्रावित होते हैं? जब कोई दबाव हो या फिर आपात स्थिति हो, जब घबराहट हो, उस स्थिति में ये दोनों हार्मोन तेजी से स्रावित होते हैं। क्योंकि ये आपात परिस्थिति में स्रावित होते हैं, आवश्यक मतलब जरूरी स्थिति में स्रावित होते हैं, अचानक किसी घटना पर स्रावित होते हैं, इसलिए इन हार्मोन को अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन सक्रियता यानी तेजी, आंखों की पुतलियों में फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना इत्यादि को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन जब तेजी से स्रावित होंगे ना, जब तेजी से स्रावित होंगे तब क्या होगा? आंखों की जो पुतलियां होती है फैलने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, इस तरह की क्रिया को ये उत्प्रेरित करते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। जैसे ही ये दोनों हार्मोन का स्राव होगा, क्या होगा? हमारे जो हृदय की गति है वो बढ़ जाएगी, हृदय की संकुचन क्षमता समझ बढ़ जाएगी, हम लोग सांस तेजी से लेने लगेंगे, ठीक है। कैटेकोलेमीन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। जो कैटेकोलेमीन है वह किसको स्रावित करता है, किसको नियंत्रित करता है? तो ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। तो जो कैटेकोल एमीन है वह क्या करता है? तो ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित करता है, मतलब उसको प्रेरित करने के लिए विवश करता है। दूसरी चीज,
ग्लाइकोजन के विखंडन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। अधिवृक्क वल्कुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है, जो अधिवृक्क वल्कुट है उसको 3 परतों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कितने परतों में, 3 परतों में। तो ये तीनों हार्मोन है, जो तीनों परत हैं, मतलब जो अधिवृक्क वल्कुट को 3 परतों में बांटते हैं, वो तीनों परत कहलाएंगे जोना रेटिक्यूलेरिस, जोना रेटिक्यूलेरिस या फिर आंतरिक परत उसे कहेंगे, जोना फेसिक्यूलेटा यानी मध्य परत, और जोना ग्लोमेरुलोसा यानी बाह्य परत, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये वॉलकुट है, ठीक है, ये जो वॉलकुट है इसमें जो ये वाला है, ये सबसे बाहरी परत है, ये मध्य परत है और ये आंतरिक परत है। अधिवृक्क वल्कुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कार्टिकाइड हार्मोन कहते हैं। जो कार्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सच्चे समझिए, जो अधिवृक्क से हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से कार्टिको एस्टिराइड हार्मोन कहते हैं, और कार्टिको एस्टिराइड हार्मोन को ही कार्टिकाइड हार्मोन भी कहते हैं। फिर आगे समझिए, जो कार्टिको एस्टिराइड हार्मोन है यानी कार्टिको एस्टिराइड हार्मोन है, अगर यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न रहता है तब इसे ग्लूकोकार्टिकाइड कहते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकार्टिकाइड है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कार्टिकास्टीराइड मिनरलो कार्टिकाइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरलो कार्टिकाइड्स है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो कॉर्टिसोल है ना, कार्टिसोल है, यह मुख्य ग्लूकोकार्टिकाइड है। तो ये आपको याद रखना होगा कि हमारे शरीर का मुख्य ग्लूकोकार्टिकाइड कौन है, तो है कॉर्टिसोल। वैसे ही जल और विद्युत अपघट्यों को संतुलित करने वाले को कॉर्टिकास्टेरॉइड जो है, जो शरीर हमारे शरीर में जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करते हैं कॉर्टिकास्टेरॉइड, उनको मिनरलो कार्टिकाइड्स कहते हैं, मिनरलो कार्टिकाइड्स कहते हैं। और हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरलो कार्टिकाइड्स है। ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं, तथा अमीनो अम्लों में के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोध करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या करते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या करते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्लाइकोजन का संश्लेषण, ग्लूकोकाइनियोजेनेसिस और वसा अपघटन के साथ साथ प्रोटीन अपघटन को भी प्रेरित करते हैं, ठीक है। कोर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र के रख रखाव और वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न रहता है। जो कोर्टिसोल है उसका अन्य कार्य क्या है, यह हृदय के जो संवहनी तंत्र है उसका रख रखाव और वृक्क की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कोर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। अब देखो जो कोर्टिसोल है ना और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, ये क्या करते हैं, प्रतिशोथ का काम करते हैं। प्रतिशोथ मतलब, शोथ मतलब है किसी अंग का फूल जाना, जहां पे अगर प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा एक्टिव हो जाता है वहां के जो अंग होते हैं वो फूल जाते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं कि प्रतिशोथ का काम करते हैं, मतलब उनको जो शोथ हुआ है, जहां पे फूला है, उसको सूजन को हटाने का काम करते हैं, ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र के प्रक्रिया को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करते हैं,
साथ ही जो कोर्टिसोल है वो लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है और सोडियम आयन एवं जल के पुनरावशोषण तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघट्यों, शरीर द्रव के आयतन, प्रसरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल वॉलकोट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है जो यौनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख रोम की वृद्धि में भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एड्रिनल वॉलकुट है इससे एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसे एंड्रोजेनिक स्टीराइड कहते हैं। ठीक है, तो जो एंड्रोजेनिक स्टीराइड है ना इसके स्राव से जो बाल होते हैं ना, जैसे यौनारंभ के बाद जो अक्षीय रोम होता है मतलब जो आपके जोड़ों पे रोम आते हैं जैसे कांख वगैरह पे, तो वो हो गया अक्षय रोम। जघन रोम राजांग के पास जो रोम आता है, इसके पास जो मुख में जो दाढ़ी मूछें आती है वो सभी क्या होता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हार्मोन से के कारण ऐसा होता है। एड्रिनल वॉलकुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्राव के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिशन रोग हो जाता है। अगर एड्रिनल वॉलकुट द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनल वॉलकुट से अगर अल्प मात्रा में स्राव हो हार्मोन का, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, यानी अच्छा से उसका उपापचय नहीं हो पाएगा और इसके कारण शारीरिक दुर्बलता आ जाएगी और थकावट रोग होगा, थकावट होने लगेगा। इस रोग को कहते हैं एडिशन रोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अग्नाशय को समझेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।